वहां जाना ही मना था, ऊपर से रात में जाना और कब्र के ठीक सिरहाने कील ठोकना। अशहर बेवकूफ था या कुछ ज्यादा ही दिलेरी दिखा रहा था? तभी तो उसने जुल्फी और दूसरे दोस्तों की चुनौती स्वीकार कर ली थी। पर क्या अशहर पूरे चांद वाली रात में उस भूता मकबरे में घुस पाएगा? सुनते हैं कहानी बादशाही पार्क, ओरिजिनल स्टोरी इन उर्दू बाय शाहिद अनवर, हिंदी में अनुवाद शाहिद अनवर, चित्रांकन तपस गुहा, प्रकाशन प्रथम बुक्स, अभिवाचन आसावरी दोषी। और ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनने के लिए हमारी वेबसाइट पर जरूर आइएगा www.books-speak.com। चलिए चलते हैं बादशाही पार्क। छुपन छुपाई का अंतिम दौर चल रहा था। खेल खेल में बच्चों को पता ही नहीं चला कि कब उन्होंने पुरानी सड़क को पार कर लिया। अब वे बादशाही पार्क में थे। ये बस कहने को ही बादशाही पार्क था। इसमें ना तो बादशाही शान थी और ना ही पार्को जैसी हरियाली। हरियाली के नाम पर घुटनों से ऊंची घास थी, जिसे वर्षों से किसी माली के हाथों का स्पर्श नसीब नहीं हुआ था। कभी यहाँ फूल पौधे भी हुआ करते होंगे, जो आखिरी नल टूट जाने के बाद पानी की प्रतीक्षा में झाड़ झंखाड़ में बदल चुके थे। झूले तो थे, मगर इतने जर्जर कि उन्हें उनके ही खंभों से लपेट दिया गया था। फिसलने वाली पटरी का हाल ये था कि सीढ़ी में केवल दो पायदान बचे थे और पटरी में जगह जगह इतने छेद थे कि अगर कमीज या पैंट फंस गई तो शरीर से खून निकाले बिना नहीं निकलती। और चरखी, उसमें तो ऐसा जंग लगा था कि अव्वल तो वो घूमती न थी और बहुत जोर लगाने के बाद घूमती तो थी, उससे ऐसे भयानक आवाजें निकलती कि बच्चे डर कर उतर जाते। मतलब ये कि बादशाही पार्क बच्चों का दिल लुभाने नहीं बल्कि उनका दिल जलाने के काम आता था। कभी कोई बच्चा अपने पापा के साथ सैर पर जाने का हट करता तो पापा झट से कहते, अच्छा चलो बादशाही पार्क चलते हैं। बस बच्चे का सारा जोश ठंडा हो जाता। इस बादशाही पार्क की बादशाहत बस इतनी भर थी कि इसके बीचों बीच एक छोटा सा मकबरा था, जिसकी कोई दीवार सही सलामत नहीं थी। आस पड़ोस के कुछ बच्चे फिर भी शाम को खेलने पार्क आ ही जाते थे, वहां उन्हें रोकने टोकने वाला जो कोई नहीं था। उस मकबरे के अंदर एक लंबी सी कब्र थी, जो समय बीतने के साथ साथ सपाट होती चली गई थी और अब ऐसी दिखाई देती थी जैसे जमीन में कुबड़ निकल आया हो। कहते हैं उस कब्र के अंदर जो राजा लेटा था वो बहुत क्रूर था। उसके राज में पढ़ना लिखना मना था। उसे लगता था कि अगर उसकी जनता ने शिक्षा प्राप्त कर ली तो विद्रोह कर देगी और उससे उसका सिंहासन छीन लेगी। इसीलिए उसके देश में ना तो कोई स्कूल था और ना कोई पुस्तकालय। उसे जिस घर में किताब नजर आ जाती वो उस पूरे घर को जला डालता। उस देश में एक विद्वान रहता था जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था। दूर दूर से लोग उसकी बातें सुनने आया करते थे। अत्याचारी राजा को वो विद्वान एक आंख नहीं सुहाता था, मगर करता भी क्या। वो विद्वान इतना लोकप्रिय था कि उस पर हाथ डालना आसान नहीं था। इसलिए राजा मौके का इंतजार करता रहा। आखिर एक दिन चोरी के झूठे आरोप में उसने विद्वान को फांसी पर चढ़ा दिया। जिस समय उस विद्वान को सूली से लटकाया गया उस वक्त पूनम की रात थी। कहा जाता है कि विद्वान को मारने के बाद भी राजा को शांति नहीं मिली। पूरे चांद की रात तो उसका पागलपन बेकाबू हो जाता।
वो जहां कहीं भी रस्सी देखता उसका फंदा बनाकर अपनी गर्दन में डाल लेता और उसके संतरियों को उसकी जान बचाने के लिए काफी उठापटक करनी पड़ती। मगर एक दिन संतरियों से भी चूक हो गई और उस राजा ने फंदा लगाकर अपना दम घोट लिया। उस वक्त भी पूरे चांद की रात थी। लोग कहते हैं उसे मरने के बाद भी शांति नहीं मिली, कब्र में भी उसका पागलपन जारी रहा। जिस रात आसमान में पूरा चांद निकलता है, राजा अपनी कब्र से बाहर निकल आता है और अपने मकबरे के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। अगर कोई राहगीर उधर को निकला और उस पर राजा की नजर पड़ गई तो उसे तुरंत दबोच लेता है और एक ही गुहार बार बार लगाता है, मुझे रस्सी चाहिए, मुझे रस्सी चाहिए। राहगीर बेचारा रस्सी लाने के बजाय बेहोश होकर गिर पड़ता है। पार्क की ओर लोगों का आना जाना कम ही होता था। शाम हो चली थी और बच्चे बादशाही पार्क में उधम मचा रहे थे। अब जुल्फी की बारी थी चोर बनने की। वो दोनों हथेलियों से अपनी आंखें मीचे जोर जोर से गिनती गिन रहा था, 1, 2, 3। उसके पीछे बच्चे इधर उधर भाग रहे थे छिपने की जगह ढूंढते हुए, 6, 7, 8। और तमाम बच्चे जहां तहां छिप चुके थे, बस एक अशहर था जिसको अभी तक कोई जगह नहीं मिली थी, 9। अशहर के सामने अब एक ही जगह बची थी, वो मकबरा, 10। इधर जुल्फी ने गिनती पूरी की और उधर अशहर ने छलांग लगाई ठीक मकबरे के अंदर। मगर जुल्फी ने उसे छलांग लगाते हुए देख लिया था। अपनी जगह पर खड़ा खड़ा वो चिल्लाया, नहीं अशहर, वहां नहीं। उसके स्वर में ऐसा भय था कि अशहर से रहा नहीं गया। वो तुरंत बाहर निकल आया और आश्चर्य से जुल्फी को देखने लगा, क्यों, क्या हुआ, इतनी जोर से चिल्लाए क्यों, तुम्हें वहां नहीं छिपना चाहिए। क्यों, वहां क्या है? वहां कब्र है, उस राजा की कब्र। तो क्या हुआ, चांदनी रात में वहां क्या होता है तुझे मालूम है ना? ये सुनते ही अशहर जोर जोर से हंसने लगा। जुल्फी की समझ में ही नहीं आ रहा था कि इसमें इस तरह हंसने की क्या बात थी। उसका मुंह लटक गया। उसकी ऐसी सूरत देखकर अशहर और भी जोर से हंसने लगा। हंसी रुकी तो सारे बच्चों को पुकारने लगा, पिंकी, कासनी, शीलू, धर्मा, बड़कू, सब निकलो बाहर, इस डरपोक चूहे के साथ कौन खेलेगा, चलो चलो सब इधर आओ तुरंत। बच्चों की समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या, सभी दौड़ते हुए बाहर निकले। अरे तुम लोग झगड़ क्यों रहे हो, सबने एक साथ पूछा, इसके साथ कौन खेलेगा भला, अशहर ने जुल्फी की ओर इशारा करते हुए कहा और फिर हंसने लगा, क्यों, क्या हो गया, कासनी आगे आई, कहता है उधर मत जाओ, उस मकबरे के अंदर, वहां कोई दबोच लेगा। ठीक ही तो कहता है जुल्फी, कासनी के समर्थन से जुल्फी को थोड़ा हौसला मिला, तुम्हें नहीं पता कि वहां क्या होता है। इस बार शीलू ने जुल्फी का पक्ष लिया, अरे अशहर अगर वही छिपना चाहता है तो उसे छिपने दो, तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है। बड़कू ने बीच बचाव करना चाहा, अगर ये वहां मकबरे के अंदर छिपा तो इसे ढूंढने के लिए किसी दूसरे को भी तो अंदर जाना होगा, बताओ कौन जाएगा वहां मकबरे के अंदर, कब्र के पास। शीला बोल पड़ी। इससे पहले कि कोई जवाब देता अशहर उछल पड़ा, तुम सबके सब डरपोक हो, बिल्कुल चूहे, तुम्हारे साथ नहीं खेलना है मुझे। इस तरह ललकारा जाना किसी को भी अच्छा नहीं लगा। जुल्फी ने जो देखा कि अधिकतर दोस्त उसके पक्ष में हैं, तो उसकी हिम्मत बढ़ गई। उसने अशहर की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम अपने आप को बहुत बहादुर समझते हो। मैं अपने आप को बहादुर समझता नहीं, मैं बहादुर हूं। अशहर ने भी उसी तरह पलट कर जवाब दिया, तुम रात में मकबरे के अंदर जा सकते हो। बिल्कुल जा सकता हूं। पूरे चांद वाली रात में भी। हाँ पूरे चांद वाली रात में भी। कब्र के सिरहाने भी। हाँ कब्र के सिरहाने भी। तो फिर ये तय हुआ
कि तुम अगली बार पूरे चांद वाली रात में मकबरे के अंदर जाओगे और कब्र के ठीक सिरहाने लोहे की एक बड़ी सी कील ठोक कर आओगे। मंजूर है, आगे कहो। अगर तुम जीत गए तो सभी बच्चे मिलकर तुम्हें एक बल्ला देंगे, क्रिकेट का बल्ला, और अगर हार गए तो उसकी तो नौबत ही नहीं आएगी, इसलिए उसके बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है, अशहर ने सीना फुलाते हुए कहा। सभी जानते थे कि वो बहुत मुंहजोर है, इसीलिए चुप्पी सांध ली। अब समस्या ये थी कि ये कैसे पता लगाया जाए कि कौन सी रात पूरे चांद वाली रात होगी। कासनी ने आसमान की ओर इशारा किया। सभी की नजरें ऊपर उठ गई, वहां थाली जैसा चांद मुस्कुरा रहा था। आज ही थी पूर्णिमा। ठीक है, आज रात ही सही, अशहर ने पूरे विश्वास के साथ कहा। मगर कील और हथौड़ी कौन लाएगा? वो मैं ले आऊंगा। जुल्फी ये मौका हाथ से जाने ही नहीं देना चाहता था। तो ठीक है, रात में मिलते हैं, यही ठीक 10 बजे। अशहर घास को रौनता हुआ लौट पड़ा। दूसरे बच्चे भी अपने अपने घर की ओर चल पड़े। रात 10 बजे पूरा चांद ऐसे जगमग कर रहा था जैसे नीले आकाश के माथे पर किसी ने दूधिया बिंदी चिपका दी हो। अशहर बार बार घड़ी की ओर देख रहा था। उसके सब्र का बांध टूटने ही वाला था कि घड़ी ने 10 बजा दिए। उसने बैठक में झांका। सब अपने अपने कमरे में जा चुके थे। टीवी के सामने केवल भैया बैठे थे और वो भी कॉमेडी सर्कस देखने में इस तरह लीन थे कि उनकी पीठ पीछे क्या हो रहा है इसकी उन्हें भनक तक नहीं लगी। अशहर ने चुपके से अपना कमरा बंद किया और दबे पांव चलता हुआ बाहर निकल आया। बाहर आते ही उसने बादशाही पार्क की ओर दौड़ लगा दी। वहां पहुंचा तो पार्क के टूटे हुए गेट पर जुल्फी पहले से मौजूद था। इधर उधर नजरें दौड़ाते हुए अशहर ने अपनी सांसें ठीक की। पार्क के अंदर तो क्या, पार्क के बाहर भी कोई नहीं था। कील लाए हो? अशहर ने फुसफुसाते हुए पूछा। जुल्फी ने धीरे से हाथ में पकड़ी हुई कील उसके हवाले कर दी। और हथौड़ी? अखबार में लिपटी हुई हथौड़ी भी उसके सामने थी। अब तुम यही ठहरो, मैं अभी गया और अभी आया, अशहर ने अखबार को फेंकते हुए कहा। एक हाथ में कील और दूसरे हाथ में हथौड़ी लिए अशहर गेट के अंदर घुस पड़ा। अंदर ऊंची ऊंची घास पर चांदनी लोट लगा रही थी। झूला, चरखी, फिसलने वाली पटरी, सब कुछ दूधिया पानी में नहा रहा था। हर चीज अनजान लग रही थी, जैसे अभी अभी माया लोक से लाई गई हो। अशहर ने मकबरे की ओर देखा तो चौंक गया। वहां गुबन तो था मगर तल्ला गायब था। ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरे का पूरा मकबरा हवा में लटका हो। अशहर ठिठक गया, 2-3 बार आंखें झपकाई और फिर मकबरे को ऊपर से नीचे देखा तो उसे अपने आप पर हंसी आ गई। तल्ला वही मौजूद था। सब चांदनी का करतब था, बस कभी कोई कोना रोशन हो रहा था तो कभी कोई। अशहर ने कदम आगे बढ़ाए। अब वो मकबरे के पास था। छोटी छोटी खिड़कियों की टूटी फूटी जालियों से चांदनी की मोटी पतली किरणें अंदर कब्र तक पहुंच रही थी। कब्र भी दूधिया हो रही थी। अशहर ने जैसे ही बरामदे में एक पांव रखा, उसे लगा जैसे कब्र करवट ले रही हो। पूरे शरीर में थरथराहट सी होने लगी। उसने थोड़ी हिम्मत की और दूसरा पैर रखना चाहा, मगर ये क्या, दूसरा पैर तो उठा ही नहीं, वो जमीन से चिपक कर रह गया। उसने हड़बड़ाकर पांव खींचा तो चटाक, उसकी चप्पल टूट गई। उसे लगा जैसे सचमुच कुछ अनहोनी बीतने वाली है। उसने बेकार ही ये झंझट मोल ले लिया। बस एक क्षण के लिए ये विचार आया, लेकिन उसने तुरंत झटक कर इस विचार को दूर फेंक दिया और टूटी चप्पल उठा ली। पूरी चप्पल चिपचिपी बीट से लथपथ थी। उसने झुंझला कर दोनों पांव की चप्पल वही फेंक दी और बरामदे पर चढ़ गया। उसने अंदर झांका तो लगा जैसे अब कब्र दूसरी ओर करवट ले रही हो। वो सहम गया। उसने तुरंत आंखें मीच ली और जाने क्या क्या बुदबुदाने लगा। जब थोड़ी हालत संभली तो आंखें खोली, अंदर देखा तो कब्र जो की त्यों पड़ी थी।
उसने ना तो दाहिने करवट ली थी और ना बाएं। उसका दिल जोर से धक धक करने लगा था। अब वो शाम वाला अशहर नहीं लग रहा था। झूठ मूठ ये झंझट, फिर वही विचार। उसने एक बार हाथों में पकड़ी हुई कील और हथौड़ी को देखा और तेजी से आगे बढ़ गया। अंदर पहुंचकर उसने कब्र के चारों ओर देखा। हर तरफ चांदनी के उजले चकत्ते बिखरे पड़े थे। उसने छत की ओर देखा। अरे ये क्या? छत की दीवार से एक बड़ा सा काला धब्बा लटक रहा था। उस पर जैसे ही अशहर की दृष्टि पड़ी, वो धब्बा मिसाइल की गति से उसकी तरफ आने लगा। एक, दो, तीन, हवा में ही वो धब्बा अनेक बड़े बड़े धब्बों में बदल गया। इसके पहले कि अशहर कुछ सोच पाता, उसके सिर, माथे और गाल पर सटाक सटाक कई थप्पड़ लग गए। वो बौखला कर नीचे गिर पड़ा, कब्र के ठीक सिरहाने, और चमगादड़ों का वो झुंड छत की दूसरी ओर जा चिपका। अशहर बुरी तरह घबरा चुका था। अब अगर तनिक भी देर हुई तो अशहर ने इस तो के आगे सोचने के बजाय लोहे की कील को कब्र के सिरहाने खड़ा किया और हथौड़ी की एक जोरदार चोट लगाई। उसका हाथ कांप रहा था, इसलिए चोट सही नहीं लगी। उसने एक बार फिर प्रयास किया। ठक की ऐसी भयावह आवाज निकली कि वो स्वयं डर गया। कील जमीन में धस चुकी थी। अशहर ने सोचा, चलो जान बची तो लाखों पाए। वो फुर्ती से उठा, मगर वो उठ ही नहीं पाया। धम से वही गिर गया, जैसे पीछे से किसी ने उसकी कमीज खींच ली थी। उसने दुगनी ताकत लगाई, मगर फिर किसी ने खींच लिया और वो इतनी जोर से गिरा कि सिर पर चोट लग गई। बची कुची ताकत लगाकर उसने एक बार फिर उठने की कोशिश की, लेकिन वो वही लुढ़क कर रह गया। तो क्या उसे कब्र खींच रही है? ये सोचते ही उसके हाथ पांव ठंडे होने लगे। पूरा मकबरा गोल गोल घूमने लगा। दीवारें अपनी जगह छोड़ने लगी और तेजी से उसकी ओर आने लगी। तेज और तेज। बेहोश होने से पहले उसे एक आवाज भी सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा कर कह रहा हो, रस्सी, मुझे रस्सी चाहिए। और बस उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ पता नहीं। जब अशहर की आंख खुली तो वो अपने घर में था। पूरा घर लोगों से भरा हुआ था। सब उसी की ओर देख रहे थे। उसे आंखें खोलते देखकर जुल्फी आगे आया और उसके माथे पर हाथ रखकर बोला, कुछ नहीं हुआ था यार, तुमने जमीन में कील के साथ साथ अपनी कमीज भी ठोक डाली थी, तुम डर गए थे शायद। सभी हंस पड़े और अशहर ने झप कर आंखें बंद कर ली। देखो ये तुम्हारे लिए, जुल्फी की आवाज आई। उसने आंखें खोली तो देखा जुल्फी के हाथों में एक बल्ला जगमग रहा था, बिल्कुल नया। अशहर ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। हम सारे दोस्त जानते थे कि तुम वहां आओगे और शर्त भी जीतोगे। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई तो क्या हुआ, लो ये बल्ला पकड़ो। अशहर ने एक बार फिर आंखें बंद कर ली, लेकिन इस बार झेप मिटाने के लिए नहीं, बल्कि दोस्तों को धन्यवाद कहने के लिए। एरुआवी, एरुआवी।